हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कर रहे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे और उसी में मैं आपका साथ देने के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आपको मदद मिलेगी, मोटिवेट होंगे और आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में जो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, प्रेरणा मिल सकती है, जिसको लेकर आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी जो है भूमिका निभा सकता है ये वीडियो के लिए। वही मेरा प्रयास भी है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल हमें क्या सुनने को मिलता है। आजकल यही सुनने को मिलता है कि तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, मतलब कि तू गलत है, तू गलत और तू ही गलत, यही सुनने को मिलता है। आपको भी शायद ये सुनने को मिलता है और मुझे भी यही सुनने को मिलता है। दोस्तों, कभी ये सुनने को मिलता है कि मेरी गलती, मेरी गलती और मेरी ही गलती, मतलब कि मैं गलत और मैं ही गलत। नहीं, बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है और जिन लोगों से ये सुनने को मिलता है कि मेरी गलती है, जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं, जो लोग अपनी गलती पहचान लेते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है, उनका एक अलग नाम होता है, जिन्हें हम जानते हैं सफल व्यक्ति के नाम से। सही कह रहा हूं ना मैं? तो कहीं ना कहीं आपको भी सफल व्यक्ति बनना चाहिए। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि गलती मानने से क्या होता है, गलती पहचानने से क्या होता है। इस छोटी सी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी में आपको पता चल ही जाएगा कि अपनी गलती पहचानने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये कहानी जो है, एक पुराने जमाने में जो सीबीआई की इंक्वायरी होती थी, आप मान सकते हैं आज के हिसाब से अगर माना जाए तो पुराने जमाने में जो सीबीआई इंक्वायरी होती होगी वो ऐसे ही होती होगी, जिस कहानी में आपको पता चलेगा और बहुत बड़ी आपको इस कहानी से सीख मिलने वाली है। तो आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने जीवन में इस कहानी से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, राजा कृष्णदेव के दरबार में चरवाहा आया। चरवाहा आप जानते होंगे, जो जानवरों को चराने का काम करता है। चरवा आया और बोला कि महाराज, मेरे पड़ोसी की दीवार के नीचे दबकर मेरी जो है बकरी मर गई, मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। तो राजा ने तेनालीरामा से हल पूछा, तो वो बोले, तेनालीरामा बोले कि महाराज, दीवार गिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पड़ोसी को जो है दोषी नहीं मान सकते। इसके लिए जो है कुछ जांच करनी होगी, जो पहले के जमाने में आज के हिसाब से जो सीबीआई इंक्वायरी मान सकते हैं। तो राजा ने उनसे जांच करने को लिए कहा, तो तेनालीरामा ने पड़ोसी से पूछताछ शुरू की। जब पड़ोसी से पूछताछ शुरू की तो पड़ोसी बोला कि महाराज, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष नहीं है, मिस्त्री ने जो है दीवार ही कमजोर बना दी, तो मैं क्या कर सकता था। तो मिस्त्री से पूछा गया, जब मिस्त्री से जब पूछा गया तो मिस्त्री ने बोला कि महाराज, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, इसमें तो मजदूर ही दोषी हैं, जिन्होंने कार्य में जो है मिट्टी में जो है पानी कम मिलाया और जिसे ईंटे ईंटे जो है चिपक नहीं पाई और दीवार गिर गई और इसे जो है बकरी की जो है मृत्यु हो गई, तो इसमें जो है मेरा दोष नहीं है। तो इसमें मजदूर से पूछताछ हुई तो वो बोले कि महाराज, इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष पानी डालने वाले का है, दोष पानी डालने वाला क्या है, जब पानी डालने की वाले की पैसी हुई, जब पानी डालने वाले की पैसी हुई तो वह बोला कि महाराज, उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने मुझे पानी डालने के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा बर्तन दिया। इसमें मेरा भी दोष नहीं है, इसमें उसका दोष है जिसको पानी डालने के लिए जो है जरूरत से ज्यादा मुझे बर्तन दिया गया। तो जब पूछताछ में पता चला, जब ये इंक्वायरी हुई, जब पूछताछ में पता चला कि वह बर्तन उसी चरवाहे ने दिया था जिसकी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई थी, जब तेनालीरामा चरवाहे से बोले कि तुम्हारी गलती और तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही इस बकरी की जो है तुमने जान ले ली है, तो इसलिए दोषी तुम ही हो। दोस्तों, इस कहानी से जो प्रेरणा मिलती है, इस कहानी जो सीखने को मिलता है कि कई बार गलती हमारी ही होती है लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। कई बार गलती हमारी होती है, पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए दूसरों को हम जो है दोषी ठहराने लग जाते हैं। हमारे को भी उस गलती मान लेनी चाहिए, पहचान लेनी चाहिए, कई बार जाने उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही मिल जाए तो वो सही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने दोस्तों को भी जो है प्रेरणा देने का प्रयास करना। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको मोटिवेट करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।